Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. It's me, lecturer Nama, Anatomy and Physiology. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनाटमी ऑफ पेल्विक रीजन. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था सर्फिस एनाटमी, ह्यूमन स्कल की बोन्स और वर्टिब्रल कॉलम. आज जो हमने पढ़ना है वो है पेल्विक रीजन. तो पेल्विक रीजन के एनाटमी से पहले आपको अगर याद हो कि स्केलेटन, हम लोगों ने दो टाइप्स के स्केलेटन को डिस्कस किया था. ह्यूमन स्केलेटन कंसिस्ट करता है दो टाइप्स के ऊपर. द फर्स्ट वन इज एक्सियल स्केलेटन एंड द सेकेंड वन इज अपेंडिकुलर स्केलेटन. ठीक है, इन दोनों स्केलेटन्स के दरमियान में जो कनेक्टिंग पॉइंट है या कनेक्टिंग रीजन है, दैट रीजन इज नोन एज पेल्विक रीजन. पेल्विक रीजन बेसिकली जहाँ पे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम एंड होता है और लोअर लिम्ब का रीजन स्टार्ट होता है. रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स जहाँ पर मौजूद हैं वो वाला जो हिस्सा है वो रीजन कहलाता है पेल्विक रीजन. तो स्टार्ट करते हैं पेल्विक रीजन को, उसकी एनाटमी को, उसके अंदर जितने पार्ट्स पाए जाते हैं. पेल्विक रीजन में हमारे पास बेसिकली तीन सेगमेंट्स हैं. फर्स्ट जो है वो है दो कॉक्सल बोन्स हैं. सेकेंड है हमारे पास सेक्रम एंड थर्ड इज कॉसिक्स रीजन. ठीक है, तो पेल्विक रीजन के तीन पार्ट्स. उसके बाद कॉक्सल बोन्स, ह्यूमन बॉडी के अंदर दो कॉक्सल बोन्स होती हैं. इन दोनों कॉक्सल बोन्स के तीन पार्ट्स होते हैं. एडल्टहुड से पहले ये तीनों पार्ट्स जो हैं वो अलग अलग फॉर्म में होंगे. एडल्टहुड के बाद ये तीनों पार्ट्स जो हैं वो फ्यूज़ होकर एक सिंगल बोन फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है, इसके तीन पार्ट्स हैं कॉक्सल बोन के, ईलियम, प्यूबिक एंड इस्कियम. उसके बाद ये दोनों कॉक्सल बोन जो हैं वो कनेक्ट करती हैं पोस्टीरियरली सेक्रम रीजन से और एंटीरियरली प्यूबिक फॉसा से. फॉसा एक एनाटॉमिकल टर्म है जो डिटर्मिन करती है किसी भी डिप्रेशन को या एक शैलो ग्रूव को. तो स्टार्ट करते हैं आपकी कॉक्सल बोन से. कॉक्सल बोन में जो सबसे पहली बोन है वो है ईलियम. ठीक है, आप अपनी दो जो डायग्राम के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों तरफ जो है वो जो एक वाइट सी बोन है या पार्ट है कॉक्सल बोन का वो है ईलियम. ठीक है, कि आपकी कॉक्सल बोन की या पेल्विस रीजन की सबसे बड़ी बोन है, सबसे बड़ा पार्ट है. उसके बाद इसके साइड्स के ऊपर मौजूद है ईलियक क्रेस्ट. ये वो पॉइंट है जहाँ पर डिफरेंशिएशन होती है बिटवीन मेल्स एंड फीमेल पेल्विक गर्डल. ईलियम क्रेस्ट जो है वो मेल्स के अंदर वो काफ़ी कॉम्पैक्ट होता है और इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी नैरो होगा, कम होगा. फीमेल्स के अंदर ईलियम क्रेस्ट जो है वो डेलिकेट होता है और काफ़ी वाइड होता है. क्लियर, तो वापस आते हैं ईलियम बोन के बाद कॉक्सल बोन्स के पार्ट्स की तरफ. कॉक्सल बोन में जो पहली बोन ईलियम, उसके बाद आती है आपकी प्यूबिक बोन. प्यूबिक बेसिकली दो पार्ट्स को कंटेन करता है, एसिटिब्युलम और हिप जॉइंट को. ठीक है, उसके बाद जो थर्ड बोन है या थर्ड पार्ट है दैट इज़ इस्कियम. इस्कियम बिल्कुल ईलियम की जो लोअर साइड है वहाँ से स्टार्ट होने वाली बोन है, वो है इस्कियम बोन. अब यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो प्यूबिक सिंफिसिस का बताया गया है कि प्यूबिक सिंफिसिस कौन सी जगह है कि दो रीजन्स को, दो सेगमेंट्स को कॉक्सल बोन के डिफ्रेंशिएट करती है, अलग करती है. बेसिकली ये एक जॉइंट है, एक कार्टिलेजिनस जॉइंट है प्यूबिक सिंफिसिस. क्लियर, उसके बाद प्यूबिक सिंफिसिस का रोल क्या है आपकी बॉडी के अंदर कि वॉकिंग के दौरान चलने के वक्त जो शॉक की कंडीशन होती है, शॉक होते हैं, ये वाला जॉइंट उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है ताकि आपको आपकी बोन्स को शॉक से प्रिवेंट किया जा सके. उसके बाद ये फीमेल्स के अंदर लेबर या डिलीवरी ऑफ चाइल्ड के वक्त हेल्प करता है ये वाला जॉइंट ताकि लेबर को इजीली इंड्यूस करवाया जा सके. उसके बाद हमारे पास ये तीनों बोन्स कंप्लीट हो गई. फिर जो है कहा गया है कि एसिटेबुलम कौन सा पॉइंट है आपके कॉक्सल बोन का.
तो ये वो जगह है जहाँ पर आपका हिप जॉइंट जो है वो फॉर्म होता है। हिप जॉइंट जब फीमर जो कि एक थाई की बोन, थाई रीजन की बोन है, उस फीमर का जो हेड है जब वो कनेक्ट करता है आपके कॉक्सल बोन के साथ, तो वो जो रीजन है वो कहलाता है एसिटेबुलम, एरिया ऑफ फ्यूजन ऑफ हेड ऑफ फीमर टू फॉर्म हिप जॉइंट। ठीक है, उसके बाद आपकी कॉक्सल बोन्स की जो तीनों पार्ट्स हैं इलियम, इस्कियम एंड प्यूबिक, इन तीनों पार्ट्स के जो कनेक्टिंग पॉइंट है वो भी एसिटेबुलम ही है। उसके बाद यहाँ पर जो आपको होल्स नज़र आ रहे हैं इस्कियम के साथ जो दो होल्स हैं, उन होल्स को हम कहते हैं ऑब्यूरेटर फोरामेन। एनाटमी में फोरामेन का मतलब होता है किसी भी हॉलो स्पेसेस या ब्लैंक जो सर्कुलर स्पेसेस होती हैं उनको हम कहते हैं फोरामेन। ठीक है, उसके बाद ये इसका फंक्शन क्या है कॉक्सल रीजन के अंदर, ये वाला जो पॉइंट है, ये होल्स जो हैं वो अलाउ करते हैं नर्व्स को और ब्लड वेसल्स को कि वो यहाँ से पास हो सकें। क्लियर, तो ये तमाम तो बोन्स थी और पार्ट्स थे आपके कॉक्सल रीजन और पेल्विक रीजन के। पता चल सकता है कि कौन सी बोन या कौन सा रीजन जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है। ये जो पिंक हाइलाइटेड रीजन है वो है इलियक या आपकी इलियम बोन, उसके बाद जो पर्पल है वो है प्यूबिक, और पर्पल के नीचे जो ग्रे सा एरिया है, ग्रे बोन्स हैं, वो हैं इस्कियम बोन। सेंटर में अगर आप देखें तो ग्रीन कलर का आपको नज़र आएगा वो है सेक्रम, सेक्रम के बिल्कुल नीचे येलो रीजन छोटा सा वो है कॉसिक्स रीजन। तो ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है वो कहलाता है पेल्विक गर्डल। सबर पेल्विस जो है, जो कि पहला पार्ट है आपके पेल्विक रीजन का जिसको हम कॉक्सल बोन या ओसो बोन भी कहते हैं, इसमें जो इसकी जो डिस्क्रिप्शन है मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है कि इस रीजन के अंदर कौन कौन से पार्ट्स मौजूद हैं। इलियम लार्जेस्ट कॉक्सल बोन, प्यूबिक जो कि दूसरी बोन है आपके कॉक्सल बोन की पार्ट है जो कि फॉर्म करता है एसिटेबुलम एंड हिप जॉइंट को, उसके बाद प्यूबिक सिम्फिसिस वो एरिया जो कि एक कार्टिलेजिनस जॉइंट है और वॉकिंग के वक्त शॉक को एब्जॉर्ब करता है और फीमेल्स में लेबर इंड्यूस करवाने में हेल्प करता है। उसके बाद एसिटेबुलम वो रीजन है जहाँ पर आपकी कॉक्सल बोन के तीनों पार्ट्स इलियम, इस्कियम एंड प्यूबिक आकर मीट करते हैं, ज्वाइन करते हैं। इसके अलावा जो फीमर ज्वाइन करती है कॉक्सल रीजन के साथ वो इस एसिटेबुलम पार्ट पे ज्वाइन करती है ताकि हिप जॉइंट की फॉर्मुलेशन हो सके। ठीक है, एसिटेबुलम वो पॉइंट है जहाँ पर फीमर कनेक्ट करती है आपके कॉक्सल बोन के साथ और हिप जॉइंट फॉर्म करती है, और कॉक्सल बोन की भी तीनों अपनी बोन्स कनेक्ट होती हैं इसी पॉइंट के ऊपर। फिर जो दो होल्स हैं उनको हम कहते हैं फोरामेन या ऑब्यूलेटर फोरामेन जो अलाउ करते हैं ब्लड वेसल्स को और नर्व्स को कभी इजीली पास हो सके। सेक्रल जो कि फाइव सेक्रम रीजन जिसमें फाइव बोन्स होती हैं 18 इयर्स ऑफ एज के बाद एडोलेसेंस पीरियड में ये तमाम सब बोन एक सिंगल बोन फॉर्म करती हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग रिव्यू देखें पेल्विक रीजन का तो ये वो हिस्सा है जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के हाउस के तौर पे काम करता है और इस रीजन में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो यहाँ पर एंड होता है और स्टार्ट होता है रिप्रोडक्टिव रीजन। तो पेल्विक रीजन बेसिकली एक कनेक्टिंग पॉइंट है बिटवीन टू टाइप्स ऑफ स्केलेटन। ठीक है, और पेल्विक रीजन के अंदर जो पार्ट्स मौजूद हैं वो है पेल्विस जिसको हम ओसो बोन या कॉक्सल बोन भी कहते हैं, और दो वर्टेब्रल कॉलम के सेगमेंट्स जो हैं सेक्रम एंड कॉसिक्स। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा इजीली कि पेल्विक रीजन की एनाटमी क्या है, इनके पार्ट्स क्या हैं, हर पार्ट का फंक्शन क्या है।